अगर आप अपनी दुबई की पहली हवाई यात्रा करने वाले हो तो इस वीडियो में आपको वो सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। इंडिया के कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी, ओला कैब या फिर ऑटो मिल जाएगी। एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए आपको पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट दिखाना होता है। एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद आपको कई सारे इस तरह के डिस्प्लेस दिख जाएंगे जहां से आपको आपके एयरलाइन का काउंटर कौन से जोन में है वो पता चल जाएगा। एयरलाइन काउंटर पे आप बैगेज चेक इन करते हो और यहाँ पे आपको वीजा, फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट और रिटर्न टिकट जैसी कई सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। बोर्डिंग पास लेने के बाद आप इमिग्रेशन की तरफ बढ़ते हो और रास्ते में आपको कई सारे इस तरह के करेंसी एक्सचेंज काउंटर दिख जाएंगे जहां से आप दुबई की करेंसी परचेस कर सकते हो। इमिग्रेशन में आपको वीजा, पासपोर्ट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस और रिटर्न फ्लाइट टिकट जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और उसके बाद आप सिक्योरिटी चेकअप की तरफ बढ़ते हो। सिक्योरिटी चेकअप में आपका सारा कैबिन बैगेज चेक किया जाता है और कैबिन बैगेज में कौन सी चीजें अलाउड नहीं होती है उसकी सारी लिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिक्योरिटी चेकअप के बाद आपको कई सारे ड्यूटी फ्री स्टोर्स दिख जाएंगे जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो एयरपोर्ट पे आप लॉयल्टी लॉन्च को एक्सेस करके यहां पे फ्री में बफे फूड एंजॉय कर सकते हो। बोर्डिंग गेट तक जाते वक्त आपको कई सारे इस तरह के शॉप्स दिख जाएंगे जहां से आप दुबई के लिए टूरिस्ट सिम कार्ड भी परचेस कर सकते हो। फ्लाइट टेक ऑफ से लगभग 45 मिनट्स पहले बोर्डिंग शुरू हो जाती है और आपको फ्लाइट में एंटर करने के लिए बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। ज्यादातर दुबई जाने वाली एयरलाइंस कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व करती है और फ्लाइट बुकिंग करते टाइम ही कौन सी एयरलाइन फ्री में फूड प्रोवाइड कर रही है वो डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। फ्लाइट लैंडिंग के टाइम ही आपका बैगेज कौन से बेल्ट पे आने वाला है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है और उस बेल्ट से आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हो। दुबई आने के बाद आप कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस बजट प्राइस में घूम सकते हो इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे दुबई के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।